एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दीपक सावंत। आई एम दीपक सावंत, योर बायोलॉजी मेंटर फॉर स्टैंडर्ड 11th 12th बोर्ड एज वेल एज नीट एग्जाम। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज जो हम टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हाउ कैन आई गेट 340 प्लस मार्क्स इन नीट बायोलॉजी। किस तरह से हम नीट बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाके, जो हमारा टारगेट है एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज में से MBBS करना, तो उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सेशन, और अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स के बारे में, मतलब कि कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप नीट बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाके, जो आपकी ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे, मतलब कि कौन सी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करें। अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट कौन सी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करें कि जिससे हम मैक्सिमम नीट बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो कुछ हम 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, अगर आप ये 5 जो पॉइंट्स हैं जो आज हम बात करने वाले, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आई एम 100% श्योर कि एनीवन कैन गेट 340 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी नेट 101%। जस्ट आपको ये जो स्ट्रेटेजी है इसको जस्ट आपको फॉलो करना है। और ये जो स्ट्रेटेजी जो हम आज डिस्कस करने वाले, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी नहीं है, इट इज कॉमन स्ट्रेटेजी। कोई भी स्टूडेंट इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, जस्ट इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो एंड आप इजीली 340 प्लस मार्क्स नीट में बायोलॉजी में ला सकते हो। नाउ, तो जैसे हम देखते हैं कि आप सबको मालूम होगा, ऑब्वियसली आप नीट की एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सबको मालूम होगा कि देर आर 180 क्वेश्चन इन नीट बायोलॉजी। सो ये जो 180 क्वेश्चन होते हैं, जो आपके नीट बायोलॉजी में जो 180 क्वेश्चन होते हैं टोटल, सो इसमें से जैसे आपको मालूम है कि 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होते, 45 क्वेश्चन फिजिक्स एंड 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री। और हर राइट क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सो टोटल अगर आप देखते हो तो 720 मार्क्स होते हैं हमारे नीट में, नीट। सो अब देखते हो ना, यहाँ पे तो जो 90 क्वेश्चन है, मतलब कि 50% जो क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट नीट में से आया, सॉरी डायरेक्ट बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन। 180 में से 90 क्वेश्चन तो आप देखोगे तो सिर्फ बायोलॉजी के। सो अगर आप बायोलॉजी में, सो अगर 90 क्वेश्चन लेके चलते हैं तो उसका स्कोर होता है आपका 360। सो इफ यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी, सो आपका जो टारगेट है मेडिकल कॉलेज में जाने का वो आप फुलफिल कर सकते हो। सो आपका जो मेन फोकस होगा वो बायोलॉजी होगा। सो अगर 360 मार्क्स देखते हैं हम बायोलॉजी में, मीन्स के 50% मार्क्स आप नीट बायोलॉजी में ला सकते हो। इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, कुछ जो पैटर्न से उसको आपको फॉलो करना है। तो जैसे हम देखते हैं कि, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम 340 प्लस मार्क्स, चलो मैंने बोल दिया, आपने सोचा कि भाई सर आपने बोल दिया, बट कैसे लाए हम, ये क्वेश्चन होता है ना कि किस तरह से 340 प्लस मार्क्स बायोलॉजी में लाए। सो एक जो फंडा है, क्लियर फंडा है कि एनी वन कैन गेट 340 प्लस मार्क्स इन नीट बायोलॉजी, इट इज डेम श्योर।
कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो नीट एक्सपीरियंस स्टूडेंट है वो इजीली 340 प्लस मार्क्स नीट बायोलॉजी में ला सकता है। बट ये है कि अगर उस बच्चे ने पूरे साल 11th एंड 12th में पूरे साल अगर उसने एनसीईआरटी को थोरोली फॉलो किया है, मतलब एनसीईआरटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, एनसीईआरटी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, इम्पोर्टेंट फिगर्स है, कुछ एग्जांपल दिए आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल होंगे, आपके प्लांट किंगडम में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल होंगे, तो अगर एनसीईआरटी को बहुत बढ़िया से पढ़ा है और प्रीवियस ईयर्स के जो नीट के क्वेश्चन पेपर है अगर उसको आपने अच्छी तरह से सॉल्व किया है, तो कोई भी बच्चा, एनीवन कैन गेट 340 प्लस मार्क्स इन नीट बायोलॉजी। तो ये तो हो गया आपका। सो फर्स्ट अगर हम देखते हैं क्राइटेरिया कि हम करें क्या, जैसे मैंने बता दिया, बट ये होता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि फर्स्ट स्टेप्स क्या है। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो आप देखते हो कि जो भी नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट है, तो फर्स्ट अगर मैं बोलता हूं तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो एनसीईआरटी बुक्स आर बाइबल फॉर नीट एस्पिरेंट्स। जो भी नीट की एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए एनसीईआरटी जो बुक्स है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, जो आपको हर बच्चे को फॉलो करना है। अगर आपको नीट में 340 प्लस मार्क्स लाने हैं तो ये जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है एनसीईआरटी, जो आपके पास एनसीईआरटी की जो बुक्स है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, ये बुक्स आपके लिए बाइबल है। बोला जाता है ना कि भाई एनसीईआरटी बुक्स आर बाइबल फॉर नीट एस्पिरेंट्स। क्यों बाइबल है, वाई? तो अब देखोगे जो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है, अगर हम बायो की बात करते हैं तो 90 क्वेश्चन होते हैं आपके। सो आप देखोगे, सो मोर देन 75 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क फ्रॉम एनसीईआरटी। 75 क्वेश्चन जो है, 75 से भी ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो, तो 75 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक्स में से पूछे जाते हैं। मतलब कि कुछ लाइन तो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब लाइन टू लाइन आपको उठा के नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ जो फिगर है एनसीईआरटी में, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो सर ने बताया होगा या आप कोई यूट्यूब के बढ़िया से टीचर के लेक्चर देखते होंगे, तो उन्होंने बताया होगा आपको कि ये फिगर एनसीईआरटी की जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो फिगर है या वो जो डायग्राम है या वो जो टेबल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है या जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए एनसीईआरटी में, प्लांट किंगडम या बैक्टीरिया या उनके बारे में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको फर्स्ट क्या करना है कि एनसीईआरटी को थोरोली रीड करना है। अगर आपने रीड किया है तो बहुत बढ़िया, उसको वापस रिवाइज करो। बट अगर जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को रीड नहीं किया है थोरोली, सो प्लीज, अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो एनसीईआरटी को आप थोरोली रीड कर दो। बाकी की जो भी बुक्स है उसको साइड में रख दो, अब कोई बुक्स आपको फॉलो नहीं करना है, बिकॉज अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ रेफरेंस बुक फॉलो करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बुक्स आप रखो, बट फोकस आपका एनसीईआरटी पे होना चाहिए। फोकस आपका होगा एनसीईआरटी पे। नाउ दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो होगा फॉलो या तो स्टडी इंपोर्टेंस यूनिट्स एंड चैप्टर्स, मतलब फोकस ऑन इंपोर्टेंट यूनिट एंड चैप्टर्स। नाउ जो सेकेंड हमारा होगा एनसीईआरटी के बाद, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के बाद अगर हम कोई दूसरा पॉइंट्स देखते हैं तो वो है कि यू हैव टू फोकस इम्पोर्टेंट्स यूनिट्स एंड चैप्टर्स। जो आपके इम्पोर्टेंट यूनिट्स है, जो लेस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, डोंट वरी अबाउट इट, उसके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं करना है। कि जो कंसेप्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर आप ज़्यादा फोकस मत करो।
जो इंपोर्टेंट यूनिट्स है, जैसे अगर हम इंपोर्टेंट यूनिट्स की बात करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड 12th की बात करते हैं, तो जो हमारा इंपोर्टेंट यूनिट्स है वो है आपका जीनेटिक्स, जीनेटिक एंड इवोल्यूशन, फिर आप बोल सकते हो रिप्रोडक्शन, एंड जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, तो दीज आर द इंपोर्टेंट यूनिट्स। सो स्टैंडर्ड 12th में आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूनिट जीनेटिक्स है, अगर ओवरऑल स्टैंडर्ड 11th एंड 12th की अगर हम बात करते हैं, तो जीनेटिक्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने कुछ पिछले साल के पेपर का स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो जीनेटिक्स में से पूछे जाते हैं एवरी ईयर। जो आपका यूनिट है स्टैंडर्ड 12th में जो जीनेटिक यूनिट्स है, उसमें एवरी ईयर 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके जीनेटिक्स में से आते हैं स्टैंडर्ड 12th। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट यूनिट होगा स्टैंडर्ड 12th में, वो होगा आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में से भी कुछ चैप्टर्स आप देखोगे तो नीट में पूछे जाते हैं। तो जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट यूनिट होगा वो होगा आपका रिप्रोडक्शन। फिर अगर हम स्टैंडर्ड 11th की बात करें, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होगा, वो होगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर, सो आपको बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी मालूम होनी चाहिए। सो इसके लिए जो आपका स्टैंडर्ड 11th में अगर हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करते हैं, जो ये जो यूनिट मैंने आपको बताया, ये डू और डाई यूनिट्स हैं, या तो चैप्टर्स हैं, करो या तो मरो, तो ये इस यूनिट पे आपको फोकस करना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, और उसके बाद अगर हम कोई यूनिट की बात करते हैं स्टैंडर्ड 11th में, तो वो है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो ये जो यूनिट है आपका, बराबर, दिस यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये यूनिट करने के बाद, क्योंकि ये जो यूनिट हमने देखा, जीनेटिक्स देखा हमने, रिप्रोडक्शन देखा, देन हम इकोलॉजी बोल सकते हैं, फिर उसके बाद हम अगर स्टैंडर्ड 11th की बात करते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया आपका, और यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दीज यूनिट्स आर डू और डाई यूनिट्स, बराबर। ये तो हमको करना ही है। ये होने के बाद इनको अच्छी तरह से एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए उसके ऊपर आप फोकस करो। हर एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल है, डायग्राम है, बराबर, जो टेबल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। देन ये होने के बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी। अगर इसके बाद, ये होने के बाद, आप दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट यूनिट हो सकता है, वो हो सकता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी स्टैंडर्ड 11th, प्लांट फिजियोलॉजी। सो ये सेकेंड जो हमारी स्ट्रेटेजी हो गई कि फोकस ऑन इंपॉर्टेंट यूनिट, अगर इसको आप फॉलो करते हो, देन यू कैन गेट 340+ मार्क्स इन नीट बायोलॉजी, अदरवाइज नो। बर नाउ थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि मेक नोट्स ऑफ योर ओवन, बराबर, ऑन अ टॉपिक दैट यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज। कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे हमने देखा कि लाइक, जैसे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो कुछ बच्चे होते हैं कि जिनमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफ़ी सारा डाउट है, काफ़ी सारे मतलब के प्रॉब्लम आ रहे हैं, अभी उन्होंने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, तो आप ऐसे चैप्टर्स का एक नोट बनाओ, जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसकी नोट्स बनाओ। या आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे, आपके जो ट्यूशन के टीचर्स होंगे, उन्होंने जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दी होगी, सो वो इंपॉर्टेंट नोट्स को भी आप रिवाइज करो, फॉलो करो। अगर नहीं बनाए तो आप उस नोट्स को बनाओ, और देन आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी प्लान करो। सो ये जो थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो होगा मेक अ नोट्स, बराबर, ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या तो कंसेप्ट या तो टॉपिक्स। मतलब थर्ड जो आपका पॉइंट्स होगा वो होगा मेक अ नोट्स, मेक अ नोट्स, नोट्स बनाओ। मतलब जिस जो टॉपिक आपके लिए यू आर फेसिंग प्रॉब्लम,
तो ऐसे टॉपिक्स की या कंसेप्ट की आप नोट्स बनाओ। नाउ जो फोर जो हमारा पॉइंट्स होगा, जो फोर जो हमारा पॉइंट्स होगा वो होगा अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चनिंग। नीट में जो क्वेश्चन की जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर मतलब आपको कहीं पे बताया नहीं जाता है। सो फर्स्ट है कि अगर ये जो पॉइंट है आपका कि कुछ जो नीट में जो क्वेश्चन की जो पैटर्न होती है, सो फर्स्ट तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो पैटर्न को आप अंडरस्टैंड करो। उसके लिए मतलब आप जो एनसीईआरटी पढ़ोगे और जो ये जो फोर्थ हम पॉइंट्स करते हैं बरोबर डिस्कस कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ क्वेश्चनिंग, तो इसके लिए आपको पिछले साल के जो 10 या 15 साल के पेपर को अगर आप फॉलो करोगे, तो अगर पिछले 10 साल के या 15 साल के पेपर आपने अच्छी तरह से सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक पैटर्न होती है जिसको नीट मतलब एनटीए फॉलो करती है। अभी तो एनटीए एग्जाम लेती है तो एनटीए फॉलो करती है, तो वो जो क्वेश्चन की जो पैटर्न है सो आप उसको अंडरस्टैंड करो। सो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे, यहाँ पे आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। दूसरा बरोबर के हाइलाइट्स दोस क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को हाइलाइट्स करो कि जो क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स होते हैं, मतलब आउट ऑफ कोर्स मतलब जहाँ पे आपको ज्यादातर आपका एनालिटिकल माइंड लगाना पड़ता है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि 90 क्वेश्चन है, 90 में से 75 प्लस क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं। बट डायरेक्टली का मतलब ये नहीं है कि सीधा वर्ड टू वर्ड उठा के पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो अंदर से ही आपको पूछे होंगे बट जहाँ पे आपको एनालिटिकल माइंड अप्लाई करना पड़ता है। सो वो जो क्वेश्चन की जो पैटर्न है जो आउट ऑफ कोर्स होते हैं बरबर, तो वो जो क्वेश्चन की जो पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करो, उसके ऊपर अब ज्यादा फोकस करो। नाउ ये सब होने के बाद जो हमारा लास्ट जो है पॉइंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये है कि आपने एनसीईआरटी को तो थोरोली रीड कर लिया। जो फिफ्थ हमारा पॉइंट्स होगा वो होगा सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जितने हो सके। जो हमारा फिफ्थ जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि सॉल्व मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, नीट क्वेश्चन पेपर्स, हो सके तो 15 साल के क्वेश्चन पेपर को आप फॉलो करो, मतलब कि सॉल्व करो, जिससे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आप सॉल्व करते हो वही के वही क्वेश्चन शायद ऐसा हो सकता है कि नीट में पूछा जाए, या तो आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई ज़्यादा जेनेटिक्स में से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से रेस्पिरेशन है या एक्सक्रेटरी सिस्टम है, तो इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे, वो आइडिया आ जाएगा। सो बट ये कब करना है, ये जैसे मैंने यहाँ पे इसको फिफ्थ नंबर पे रखा हुआ है, ये जो हमारा पॉइंट्स होगा ये फिफ्थ नंबर पे है कि सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ये मैंने लास्ट में इसके लिए रखा है क्योंकि ये एक्सरसाइज आप कब करोगे, जब अपने एनसीईआरटी को थोरोली फॉलो किया है, एनसीईआरटी को आपने पढ़ा है, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट कंसेप्ट को आपने थोरोली रीड किया हुआ है, अंडरस्टैंड किया हुआ है, यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आपने नीट के पेपर सॉल्व किया है, कुछ आपने जो आपके ट्यूशन में डीपीपी दी होगी उसको आपने सॉल्व किया है, मॉक टेस्ट आपने दी होगी उसको आपने सॉल्व किया है, ये सारी एक्सरसाइज होने के बाद आप नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ये सब नहीं करोगे, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे बरोबर, कुछ मॉक टेस्ट आप नहीं दोगे और डायरेक्ट आप अगर नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी और आपका जो मोरल है वो टूट सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। सारी होने के बाद एनसीईआरटी को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, जो आपके ट्यूशन में से जो इंपॉर्टेंट नोट्स दी होगी उसको आपने पढ़ लिया, मॉक टेस्ट दे दी,
चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपने नीट की टेस्ट दे दी, इसके बाद ये एक्सरसाइज करना है, इसके लिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को अगर स्टूडेंट आप फॉलो करते हो, ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए बराबर, कि इफ यू फॉलो दीज 5 पॉइंट्स स्ट्रिक्टली एंड सिंसियरली, देन आई एम 100% श्योर यू कैन गेट इजीली 340+ मार्क्स इन नीट बायोलॉजी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया मेहनत की है। सो अगर आपने मेहनत की है तो मार्क्स आने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्दी फूड खाओ, प्रॉपर नींद लो, और इस क्वेश्चन पेपर मतलब ये स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो। सो आज का लेक्चर आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे लिख के भेजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।